अब तुमने मुझे धोखेबाज कह ही दिया है, तो आज के बाद हम दोनों के रास्ते अलग हैं, और जो कुछ हम लोगों ने खोया है हर साल का मैं बदला लेके रहूंगी। मैं उसका बदला उन लोगों से लेकर रहूंगी, देख लेना। एक एक करके सबसे बदला मैं लूंगी, अकेले। सब कुछ खत्म हो गया, जा रही हूं मैं। हनीफा, मेहरान और रियान बाहर हैं, खुद को जाहिर मत कर देना। आग अजीजे ने लगवाई थी, ये बोलकर वहां से निकल जाओ। सब कुछ खत्म अजीजे खानम, आपने ही कहा था अगर अब शादुल लोगों ने मेहरान को कोई नुकसान पहुंचाना चाहा तो मुझे बता देना। मैंने बता दिया एलिफ के बारे में सब कुछ। जो जानना चाहा वो सब कुछ मैंने बता दिया, लेकिन तुमने क्या किया? शादी रोकने के लिए फार्म हाउस पर आग लगवा दी तुमने। अगर मुझे मालूम होता कि मेरे बच्चे वहां पर मौजूद हैं तो क्या मैं वाकई ऐसा करती? अगर मुझे मालूम होता कि कोई वहां मौजूद है तो क्या मैं ऐसा करती? तुम जानती हो कि ये खबर सुन के मेरा क्या हाल हुआ, पता है तुम्हें? ऐसे या फिर वैसे सब कुछ खत्म। अब तुम्हारी धमकियों से डरती नहीं हूँ मैं। अब तुम्हारा दिल करता है तो जाकर सब कुछ नसू साहब को कह दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस शर्मिंदगी की वजह से मैं और जिंदा नहीं रह सकती। मैं अब जा रही हूँ, आज के बाद मुझे फोन मत करना, कभी नहीं। रेयान, क्या हो रहा है यहाँ पर? किस लिए आई हैं आप यहाँ इतनी रात में? मैं तो बस यहाँ से। मैं जानती हूँ आप यहाँ क्यों आई हैं। मैं ये भी जानती हूँ किससे मिलने आई हैं। अब आप हमें वो बताएंगी जो हम नहीं जानते हैं। बैठे गाड़ी में, सुना नहीं आपने? कैसे कर सकती हैं आप ये? कैसे किया आपने ये हमारे साथ? क्या हमने हमेशा आपको अपनी फैमिली नहीं समझा? आपके हर दुख में हर सुख में हमने आपका साथ दिया है, फिर हमसे धोखा क्यों किया? ऐसा क्या लालच दिया था उन्होंने आपको? रयान, मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। अगर ऐसी बात थी तो बाबा से कहा होता। आप जानती हैं वो मना नहीं करते, आज तक आपकी हर मुश्किल में काम आए हैं, लेकिन शायद आपने हमें कभी अपना समझा ही नहीं, इसलिए कुछ पैसों के एवज आपने जाके हमारे खानदान के राज बेच दिया अजीजा खानम को। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया जो हमारे घर में बात होती है रियान। मुझे बस पैसों की जरूरत थी। उन्हीं दोनों उनका फोन आया और उसने मुझे मीरान के बारे में कुछ सवाल किए, और मैंने भी सिर्फ इसलिए बताया कि उसका पोता है, उसकी हिफाजत करेगी। और उसके बाद उसने मुझे बार बार फोन किए, अगर मैं उसकी मदद ना करती तो उसने नसू साहब को सब कुछ जाकर बता देना था। मैं डर गई थी रेयान, डर गई थी, खुद को आजाद नहीं करवा पाई। अगर ऐसी ही बात थी तो आज भी क्यों मिलने आई थी उनसे? कसम खा के कहती हूँ, सब कुछ खत्म करने के लिए। अब तुम्हें अचानक से सब खत्म करने का कैसे ख्याल आ गया? मैंने उनको बताया था एलिफ की शादी होने वाली है, मुझसे बार बार पूछ रही थी, मैंने इसीलिए बता दिया। लेकिन शादी ना हो इसलिए उन्होंने फार्म हाउस पर आग लगवा दी। मुझे नहीं पता था वो इतना आगे जा सकती हैं, मुझे नहीं पता था। यानी हमारी दादी जान ने
उस जगह पर आग लगवा दी जहाँ मैं और अलिफ मौजूद थे। अपने बच्चों को खुद मारना चाहो उन्होंने। नहीं नहीं, उनको नहीं पता था तुम लोग अंदर हो। उनको लगा था फार्म हाउस खाली है। आप सब कुछ जानती थी, हर चीज के बारे में जानती थी आप, है ना? उस रात हम लोग मरते मरते बचे हैं। कल से आप हमारे घर नहीं रहेंगी। जो कुछ आपने किया है उसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगी। कोई भी बहाना बनाए और चली जाए यहाँ से। मैं अपने घर वालों को परेशान नहीं करना चाहती, क्योंकि जो कुछ आपने किया है अगर उसका इल्म किसी को भी हुआ तो हालात मजीद बिगड़ जाएंगे। कल सुबह होते ही चली जाइएगा आप यहाँ से। रेयान, मैं कसम खाकर कहती हूँ, मुझे नहीं पता था, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे पता नहीं था वो फार्म हाउस पर आग लगा देंगी। मैं इल्तिजा करती हूँ रेयान, मेरा तुम लोगों के अलावा कोई नहीं है। रेयान छोड़े मुझे। रेयान, आज के बाद मुझे कहीं नजर मत आना, समझ गई? निकल जाओ यहां से। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। जब मैं बात कर रही थी तो शीशे से रेयान को देखा था मैंने। क्या करती मैं, उन दोनों के सामने सब कुछ बता देती कि हम दोनों बहनें हैं। खामोश रहो, चुप रहो बिल्कुल। तुम्हें आग के अलावा और कोई बात नहीं मिली करने के लिए? क्या करती मैं उस वक्त, दिमाग में यही वाली बात आई। मीरान ने क्या कहा? मीरान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रेयान तो जैसे पागल ही हो गई थी। उसने कहा है कोई बहाना करके निकल जाओ उस हवेली से। मैं क्या करूंगी बाजी? निकालती हूँ कोई रास्ता, मुझे सोचना होगा थोड़ा। और तुम हर किसी से कुछ ना कहना। चलो रखो फोन, रखो। अब मैं क्या करूं? रेयान ने कहा है कि तुम कोई बहाना करके यहाँ से चली जाओ। क्या होगा अब, मैं उस घर में कैसे रहूंगी? हाँ हनीफा, तुम सब्र रखो, इतना परेशान क्यों हो रही हो? देखो, थोड़ा इत्मीनान से काम लो, अपनी बहन की तरह। मेरी बात पर अमल करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। पहले वो डाउनी खाब, उसके बाद फलक, और फिर अब ये खत। मुझे तो डर लग रहा है कि खजर को सब याद ना आ जाए। तुम जानते हो एक ना एक दिन तो ऐसा होना है। अगर माजी सामने आ गया, मीरान की गोली से मरे न मरे, लेकिन मेरी खामोशी से जरूर मर जाएगा वो। अपनी जिंदगी में हर किस्म का दुख उठा सकता हूं मैं, लेकिन अपने बेटे खजर का दुख नहीं उठा सकता मैं। आयशा के बाद तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बाबा, खजर, अल्लाह निगेबान। बुरा मत मानिएगा यूसुफ चाचा, बाबा आप क्या फलक से मिले हैं? क्यों? वो बेटा, मीरान ने देखा था आप लोगों को, आपने क्यों नहीं बताया मुझे? खामोश क्यों है? मुझे कुछ बताएंगे नहीं? बताए ना बाबा। मिला था मैं। क्या? मगर मैं मिलना नहीं चाहता था उससे, वो खुद आया था मुझसे मिलने। वो जिब्रान के हवाले से बात कर रहा था, वो जो रिंग वाला मसला था। वो परेशान हो रहा था तुम्हारे लिए और रेयान के लिए। दरअसल वो मुझसे कहना चाहता था कि मैं इस मसले को देखूं, बस यही कहना आया था वो, और कुछ नहीं कहा उसने। क्या क्या मतलब, क्या सिर्फ इतनी सी बात हुई थी? और क्या होना थी बाबा? बाबा मैं आपकी बात पर यकीन करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ मुझसे छुपा रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो ऐसा मत करें बाबा। आप जब भी कुछ छुपाते हैं, असलान पे लोग उसी की बात करके हम लोगों को परेशान करते हैं। अगर आप मेरे साथ ऐसा करेंगे तो हम कैसे दूसरे की हिफाजत कर सकते हैं? बताएं आप कैसे खानदान की हिफाजत करेंगे? खजर, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमने पूछा मैंने बता दिया। तुम्हें अपने बाप के बजाय दूसरों पर यकीन हो रहा है? इतनी है तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आकर बता देते बाबा। मैं आपका बेटा हूँ, फलक से ये बात की, बस बात खत्म। बताएं बाबा।
मैंने आपको कितनी दफा बताया है, कितनी दफा बताया, अब तो ये सारी दीवारें भी गवाह हैं इस बात की। अल्लाह के वास्ते आप मुझसे कुछ मत छुपाइए, कुछ मत छुपाइए बाबा, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए। देखें अब मुझ में सब्र नहीं रहा, खत्म हो गया और मैं भरोसा नहीं कर सकता बाबा। यारन बैठ जाओ, तुम्हें देख के मुझे चक्कर आ रहे हैं। आ गया फोन। हाँ आ गए तुम। ओके तुम वेट करो, मैं आ रही हूं। अम्मी अब्बू आप लोग दरवाजे के पीछे वेट कीजिएगा और सुनिएगा कि वो मुझसे क्या बात करता है। उस साइकोपैथ की बातें आपके सामने आ जाएंगी। सबर करो जरा, ये पहनो ठंड लग जाएगी वरना। चलो आओ जहान, हम लोग पे चलते हैं। हांदान, हाँ? जो कुछ यारिन ने बताया है अगर वो सच निकला तो मैं बता देता हूं, तो मैं कसम खाकर कहता हूं उस लड़के को शहर के बीचों बीच सबके सामने जिंदा दफन कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले तहमुल से काम। मैं तहमुल से काम नहीं ले सकता जहान। तुम यारिन को जानते नहीं हो क्या? ऐसी बातें तो नहीं करो ना। पापा जल्दी आए ना, आप लोग यहां खड़े रहे और हमारी बातें सुने। ओके हेलो माय लव, देखो तुमने बुलाया और मैं आ गया। हाँ तुम आ गए, ज्यादा खुश होने की एक्टिंग मत करो, मैं सब जानती हूँ तुम्हारे ड्रामे हारून। तुम्हें लास्ट टाइम की बात याद नहीं जब तुमने मेरा बाजू खींचा था? खैर मेरी बात सुनो, मेरी फैमिली को नहीं पता कि तुम कितने बड़े साइकोपैथ हो और तुमने कितने अच्छे से अपनी हरकतें छुपा रखी हैं, लेकिन अब बस तुम्हारा खेल खत्म। मैं अपने बाबा से बात करूंगी और इस मंगनी को यहीं खत्म कर दूंगी। मतलब तुम रिंग फेंक दोगी? तुम क्या ये मंगनी तोड़ना चाहती हो? हाँ मैं तोड़ना चाहती हूँ, आखिर तुम कर क्या लोगे? यारिन मैं जानता हूं कि हमारी शादी अरेंज मैरिज है, लेकिन तुम मुझे अभी जानती नहीं। हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि तुम आग में कूद रही हो, हो सकता है हम लोग खुश रहें, लेकिन देखो मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हें खुश करने के लिए लगा कर रख दूंगा। हारून क्या इसके बारे में हम अंदर बात कर सकते हैं? सब लोग सो गए हैं ना, यहां इस वक्त कोई भी नहीं है। तुमसे बात करना तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन इतनी जल्दी इतना ताल्लुक बढ़ाना ठीक नहीं है। इतनी रात को मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता, मैं कल तुम्हारे बाबा से बात करूंगा। अगर कल उन्होंने इजाजत दी तो कल हम जरूर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त तुम्हारे घर आना मुमकिन नहीं है। और तुम भी इस बारे में अच्छी तरह से सोच लो, तो फिर हम कल मिलते हैं। ओके और हां, जब तुम होटल में मुझसे मिलने आई थी तो मैंने तुम्हारा बाजू नहीं मरोड़ा था, सिर्फ तुम्हें अंदर लेकर जाना चाहता था ताकि कोई देख ना ले और ना ही तुम्हारी फैमिली तुम पर गुस्सा हो, बस मेरा मकसद यही था। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं सच्चे दिल से तुमसे माफी मांगता हूं, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं खुदसर लड़की, मैंने तुम्हें मना किया था कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, फिर तुम होटल कैसे गई? तुम बहुत जल्द इस लड़के से शादी करने वाली हो, समझी? मैं क्या करूं तुम्हारा? अम्मी, अम्मी Thank you.
आजाद भाई, मैं माफी चाहती हूँ, मुझे नहीं पता था आप कमरे में हैं, इसलिए मैं ऐसे ही अंदर आ गई। मैं आपके कपड़े इस्त्री करके लाई थी, एलिफ ने कहा था। शुक्रिया मलाइका, अगर कुछ चाहिए हो तो आप लोग मुझे आवाज दे दीजिएगा। शुक्रिया मलाइका, शुक्रिया। कोई बात नहीं आजाद भाई, तुम सोई नहीं अभी तक? मुझे तो एकदम से नींद आ गई थी, मलाइका किस तरह अंदर आने से। आज मलाइका ने देखा, कल को कोई और भी देख सकता है। क्या हम लोग हमेशा ऐसे ही रहेंगे? मेरा मतलब ऐसे ही रहेंगे, ऐसा ही तय किया था ना हमने। आजाद, खजर अंकल ने जो खत मीरान भाई को दिया था उसमें लिखा था कि अब इंतकाम खत्म हो चुका है। हाँ, अंकल ने साबित कर दिया कि उनकी कोई गलती नहीं है। मतलब अगर इंतकाम खत्म ही हो गया है तो फिर हम देखो उस घर में, मतलब क्या तुम अपने उसी घर में वापस जाना चाहती हो? जानता हूं मैं कि हमारी शादी वैसी शादी नहीं है और ना ही कभी हो पाएगी, लेकिन जब तक तुम्हारा दिल चाहे तुम यहां मेरे पास रह सकती हो। जो कुछ भी हो जाए हम दोस्त तो हैं ना आजाद। मैं जब तक तुम्हारा दिल चाहे तुम यहां पर रह सकती हो, कुछ कहने की जरूरत नहीं कि मुझे जाना चाहिए, जाना जरूरी है। मैं क्या करूं, कुछ भी नहीं, ठीक है? ठीक है, काश इन सबके पीछे रहम और हमदर्दी की बजाय प्यार होता, उस वक्त मैं दुनिया की सबसे ज्यादा खुशकिस्मत लड़की होती। मैं अपना हाथ पीछे करने जा रहा हूं, अगर तुमने शोर मचाकर सबको बुलाया तो मैं बता दूंगा कि तुमने मुझे खुद बुलाया है, तो फिर हमारी कल ही शादी हो जाएगी, समझ गई? तुम इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें खेल के उसूल बताने आया हूं। कौन सा खेल? हाँ, उसूल नंबर एक। खेल के उसूल मैं खुद रखना पसंद करता हूं। उसूल नंबर दो, अगर रूल्स फॉलो नहीं करोगी तो तुमको सजा काटनी होगी। आज के बाद
मेरे साथ कोई भी खेल खेलने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हारी नासों को भी नहीं देखूंगा प्यारी यारीन। गुड नाइट माई लव। और हां, सिर्फ आज ही नहीं बल्कि मैं किसी भी वक्त तुम्हारे पास आ सकता हूं। थोड़ी देर तक ठंड खत्म हो जाएगी। मेरी जिंदगी में सर्दी से लड़ने के अलावा और भी कम है। बहुत सी बातें करनी है हम दोनों ने। जानता हूं मैं रेहान। जानता हूं। तुम जानते हो लेकिन मुझे नहीं बता रहे जो जानते हो। इस बात का क्या मतलब है मीरान? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरी अम्मी, मेरी बहन, मेरे बाबा उस घर में रहते हैं, उन्हें इतने बड़े रिस्क में कैसे डाल सकते हो तुम? इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई तुमने मुझसे? एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाएंगे, यही वादा किया था ना हम दोनों ने? तो जब तुम ये बात जानते थे कि वो तुम्हारी दादी जान के लिए काम करती हैं, तो मुझे क्यों नहीं बताया? रियान, तुम्हें बताया ना, दोबारा माफी मांग लेता हूं तुमसे। मैं जिसके साथ इतना कुछ हो रहा था, नहीं आया मेरे दिमाग में, क्योंकि हम लोगों के पास और बहुत प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए ऐसी प्रॉब्लम्स? किन प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हो? तुम्हारी दादी जान ने हमारी जान लेने की कोशिश की थी, वो प्रॉब्लम? या जो मेरे बाबा पर इल्जाम लगाए हैं, या जो मास्टर जिब्रान को धमकी दी थी, उस प्रॉब्लम की बात कर रहे हो? अरे उन नोट्स के बारे में तुम्हें कहना ही भूल गई। हर चीज की एक हद होती है, एक हद, और उन्होंने हर हद पार कर दी। यही नहीं, और भी बहुत सी बातें होंगी, और भी बहुत सी बातें होंगी जो तुम जानते होगे लेकिन मुझे नहीं बताई है तुमने। इस बात का उससे क्या ताल्लुक है रियान? क्या ताल्लुक है उसका? क्योंकि तुम उन्हें बचाना चाहते हो, और तुम ये बात जानते हो कि तुम जितनी भी कोशिश कर लो लेकिन उन्हें नहीं बचा सकते हो। मैं दादी जान को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा। तुम बचा रहे हो, और चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं तुम्हें कोई भी सबूत लाकर दे दूं, लेकिन तुम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हो कि तुम उन्हीं पर यकीन करो। रियान, देखो तुम बहुत गलत बोल रही हो। अच्छा तो ये बात है, मैं गलत बोल रही हूँ? तुम्हें तुम्हारी अम्मी का लिखा हुआ खत मिला और तुमने उसको इग्नोर कर दिया, और अब पता नहीं किस सबूत की तलाश में हो तुम। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम ये बात तस्लीम नहीं करना चाहते कि वो झूठ बोलती हैं। तुम खुद को उनसे अलग नहीं कर सकते। मैंने अपनी आंखों से देखा था तुम्हें। तुम इस तरह से उनके कदमों में बैठ के रो रहे थे जैसे कि सारी गलती तुम्हारी हो। तुम कहते हो कि तुम मुझे परेशान नहीं करना चाहते, तो फिर ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? मीरान, ये जो दरवाजा तुमने खोला है, अगर ये दरवाजा यहां से जाने के लिए खोला है तो बंद मत करना, चले जाओ। अगर आज मेरे एक सच बोलने पर तुम जा रहे हो, अगर तुम ये भूल रहे हो कि मैंने आज तक क्या कुछ सहा है, कितने झूठ बर्दाश्त किए हैं तुम्हारी दादी जान के, तो चले जाओ मीरान, मैं नहीं रुकूंगी। लेकिन अगर आज तुम गए तो मुझ तक वापस आने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। छोड़ो। तुम्हें नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं छोड़ सकता। छोड़ो मुझे। नहीं मीरान, मेरे कहा छोड़ो मुझे। हम दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं आ सकता रियान। मैं हम दोनों को अलग करने की इजाजत नहीं दूंगा, दादी को भी नहीं, ना तुम्हारे बाबा को, ना झूठों को, ना किसी और को, ना नोट्स को, किसी को भी नहीं। मैं मर तो सकता हूँ लेकिन तुम्हें छोड़ नहीं सकता। रियान अच्छा चलो।
रेहान चलो इसे उतार दो प्लीज। बस बस सब हो गया। इधर आओ। चाहे कुछ भी हो जाए हमारा रास्ता कोई नहीं रोक सकता, ना ही ये खत, ना ही ये नोट्स, ना ही दादी। और हम लोगों का रास्ता हमारा प्यार है, बस इतना समझ लो, ठीक है? क्या तुम बाबा से बात करोगे मीरान? हाँ करूंगा, बिल्कुल करूंगा। तुमने क्या कोई ख्वाब देखा है रेहान? तुम्हारी आंखें हिल रही थीं। देखा कि हम दोनों सुकून से हैं। गर्मियों का मौसम है, गर्म हवा चल रही है, तुम भी मेरे साथ हो और बाबा भी। उन्होंने तुम्हें बेटा कहा है। मैं क्या मैंने भी कुछ कहा उन्हें? बाबा कहा तुमने, मैंने दुआएं मांगी हैं कि मेरी जिंदगी में ये दिन आए मीरान। चलो अब सोते हैं, कल एक नया दिन होगा। मैं जानती हूं। रेहान, रेहान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कहाँ थे तुम? मैं जरा बाहर गई थी ताजा हवा के लिए बस। मैं हमेशा तुम्हें देख कर उठना चाहता हूं। मैं जानती हूं। क्या अब हमें चलना चाहिए? चलो चले। छोड़ दो इसे, बाद में कर लेना।
आपको कुछ चाहिए क्या? हाँ चाहिए, लेकिन खाने के लिए नहीं अस्मा। मैं चाहती हूँ कि तुम खिजर शादोलो को फोन करो। मैं नहीं कर सकती, मतलब अगर बड़ी खानम को पता लग गया। मेरे काम में मुदाखलत कभी नहीं कर सकती। तुम बताओ कि फोन करोगी या नहीं, बस ये बताओ। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा हूं मतलब? काम कर रहा हूं। अब से इस होटल में आधा हिस्सा हमारा भी है। कितनी बार मैं इस बात को बोलूंगा? मेरा ख्याल है कि मुझे रूम के बाहर ये जुमला लिखवा लेना चाहिए, ताकि हर बार हर किसी के सामने मुझे ये बात दोहरानी ना पड़े। आ जाओ मिस्टर आजाद, ये ले आपके डॉक्यूमेंट्स। थैंक यू सो मच। हाँ देखो, गोनल खाना माई है, पूछे इनसे कॉफी पियेंगी या चाय। और हाँ, मेरा ख्याल है इसे भी यहाँ से ले जाओ, ऐसा ना हो यहाँ कुछ और हो जाए जो नहीं होना चाहिए। जाओ तुम बाहर जाओ। तुम वर्कर के सामने क्या बात कर रहे थे आजाद? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बातें सुना सकते हो? वर्कर्स के सामने? तुम तो सारे शहर के सामने मुझे शर्मिंदा करना चाहती थी। अच्छा, तो अब तुम मुझसे इंतकाम लेने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, लेकिन छुरी कांटे और गन के साथ तुम्हारा रिलेशन कुछ अच्छा नहीं है, यही बोल रहा हूँ बस। वैसे भी तुम अजीजा की पोती हो तो। तुम होते कौन हो इस तरह की बातें करने वाले? ब्रदर, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। माइंड मत करना, मुझे नहीं मालूम था कोई मेहमान आया है। गोनल अस्लान बे एलिफ के अंकल की बेटी, और इनका नाम है हारून। गोनल अस्लान बे, आपका नाम सुना है, मिलकर खुशी हुई। गोनल, तुम्हें इंतजार करवाया, चलो रेस्टोरेंट चलते हैं। तुम उनसे क्या बात कर रही थी? आजाद और हारून के साथ कुछ कहा तो नहीं उन्होंने? नहीं तो वो क्या कह सकते हैं। मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, और शुक्रिया हमारी दादी जान का कि आजकल जहां भी देखते हैं शादोगलो खानदान के लोग ही नजर आते हैं। फिरहत, अब तुम बताओ कि तुम कितना इंतजार करवाओगे मुझे? अब तो तुम्हें भी सब कुछ पता है। हाँ जानता हूं, लेकिन तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? सारी अथॉरिटी तुम अपने नाम करवा लो अजीजे अस्लान बे से जल्द। और कितनी दफा तुम्हें ये बात बताऊं मैं फिरात, जो पावर तुम्हारे पास है मिरान के पास भी नहीं। अस्लान बे खानदान की सारी दौलत तुम्हारे नाम है, देखा नहीं तुमने? दादी ने कहा था मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं दूंगी, कुछ भी। गोनल, तुम जानती हो मुझसे क्या बात कर रही हो? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तुम ये बोल कैसे कर सकते हो? ये इंतकाम कैसे शुरू हुआ? क्या तुम्हें लगता है कि जैसा हमें दादी ने बताया वैसा ही है सब कुछ? हम तो ये भी नहीं जानते, और मेरे भाई वाली बात सच है या नहीं कुछ नहीं जानते हम। हमारी दादी क्या सोचती है और हम लोगों के साथ क्या खेल खेल रही है हम कुछ भी नहीं जानते। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सारी अथॉरिटी अपने नाम कर लो और हमारी जिंदगियों को बचा लो।
याद करो बीरान की गाड़ी पर जो हमला हुआ था उसे याद करो। वो हमला भी असीजा ने करवाया था और उसका इल्जाम हम पर लगा दिया क्योंकि बीरान का दिल नर्म पड़ रहा था। मैंने महसूस किया था अजीज उस लड़के को कातिल बनाने के लिए सब कुछ कर गुजरी। फिरात कोई ऐसा झूठ नहीं जो वो नहीं बोल सकती। क्या दिलशा खानम को खिजर नहीं मारा है? बेटा उस रात क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानती, यकीन करो मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन बस एक बात जानती हूँ, खिजर जानबूझकर तो क्या गलती से भी दिलशा को कोई दुख नहीं दे सकता। फिरात क्या सोच रहे हो, तुम नहीं कर सकते तो प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, मेरे पास अथॉरिटी होगी तो सब कर लूंगी मैं। गोनल क्या कह रही हूँ? मैं जो बोल रही हूँ उसे समझो तुम, और जो दादी हमारे साथ कर रही है उसे अच्छे से सोचो, उसके बाद फैसला करना। लेकिन हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, भूलना नहीं। शुक्रान खानम से मिलना है मुझे। बिल्कुल नहीं, मीरान ने मना। मैंने बुलाया है। हाँ जी, ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने बुलाया है इसे, खिजर शाह दोलो मुझे लेने आया है अजीजा। तुम होती कौन हो इस कातिल को मेरे दरवाजे पर बुलाने वाली? ये मेरा घर है, या तो यहाँ के उसूलों पर अमल करो वरना दफा हो जाओ यहाँ से। जब मीरान आएगा तो उससे बात करना, तुम अपना काम करो। तुम जानती हो तुमने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया है शुक्रान। अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। हेलो मीरान,